नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। आज दिनांक 10/1/2019 दिन गुरुवार को ग्लोबल स्किल्स मीट के अवसर पर जिला कौशल पदाधिकारी श्री संतोष कुमार महोदय के निर्देशानुसार कौशल विकास केंद्र विजनरी स्किल से झलुया गढ़वा के द्वारा 118 सिलाइयों में प्रशिक्षणरत छात्राओं को ADF मेघना चटर्जी, रिंचुई रमन एवं छतरपुर पंचायत के मुखिया मुजीबुर रहमान जी के द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त पत्र दिया गया। सभी नियुक्ति पत्र CB इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ईरोड तमिलनाडु की वस्त्र उद्योग कंपनी के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेघना चटर्जी ने कहा कि आज प्रत्येक युवक युवतियों को कौशल विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी बनने की आवश्यकता है। रिंचुई रमन ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। मुखिया मुजीबुर रहमान ने कहा कि मेरी पंचायत के झलुया गांव में चल रहे प्रशिक्षण केंद्र गौरव की बात है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता इसी तरह बनाए रखें। संस्थान के संचालक वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछले साल 12 जनवरी से अभी तक 637 सिलाई में प्रशिक्षण प्राप्त युवतियों को नियुक्ति पत्र विजनरी स्किल्स झलुया गढ़वा के द्वारा प्रदान किया गया है। सबको आज नारी को अवला बोला जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि नारी अवला नहीं है। अगर अपने आप को ठान ले तो आज हवाई जहाज को चला रही है, दिल्ली का मेट्रो भी चला रही है, देश भी चला रही है। यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत के कई स्टेटों के मुख्यमंत्री से लेकर के है ना, जिले के DM तक है ना, सब महिलाएं हैं। तो आप भी कम नहीं हो, आप बहुत अपने हौसले को बुलंद रखो, आने वाला समय आपका होगा। कोई काम खराब नहीं होता है जिस क्षेत्र में आप आज क्या फैशन डिजाइनिंग, अगर आप चाहो तो इस जो लेवल 4 का ट्रेनिंग हुआ आपका, इस ट्रेनिंग से आगे आपको रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि एक कौशल विकास यूनिवर्सिटी खुले, उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो सर्टिफिकेट आपके पास अभी हो गया, इस सर्टिफिकेट के बाद आगे एडमिशन आपका होगा, जिसमें कोई किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा, वहां भी निःशुल्क होगा। तो बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी अगर फोन आएंगे कि आप कहीं पर जॉब में गए थे, गए थे उनका एक्सपीरियंस कराइए, अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होगा तो आपको उसमें एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको कहीं जॉब करने जाना चाहिए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इस योजना को आप लोग भरपूर लाभ उठाए और सरकार को भी सपोर्ट करें कि ताकि उनका जो कार्यक्रम है सफल हो, और सफल करने के लिए आप जिस तरह से ट्रेनिंग ले रही हो, उस तरह से आगे ट्रेनिंग के बाद रोजगार मिल जाओ। अब मैं चाहूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे भी रिंची मैडम साहब से की हुआ है। हिंदी में ज्यादा हिंदी से बोलने में थोड़ा दिक्कत है मेरा, फिर भी आप लोग को कहना चाहूँगी कि जो आपको काम मिल रही है अच्छा से करना, और हम सब लड़कियों हैं, समझ सकते हैं लड़कियों का जिंदगी, अच्छा से काम करना। और अब अभी जो जो जिंदगी जी रहे हैं ना, इससे थोड़ा ऊपर जीने के लिए, लाइक थोड़ा बेहतर जीने के लिए कोशिश करो, ठीक है। इतना ही बताऊंगी मैं अब सबको, बहुत खुश हुआ। नमस्ते आप सभी को। आप में से काफी लोग शायद गढ़वा से बाहर जा चुके हैं इससे पहले, काफी लोग आप में से शायद पहली बार गढ़वा से बाहर जाएंगी। हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, काफी लोग मिलेंगे आपको जो आपको बहुत सारी तरह की बातें कहेंगे, ये अच्छा है वो अच्छा है,
अपनी मन की बात सुनना, अपने आप को सुरक्षित रखना और कोई भी निर्णय लेने से पहले ये सोचना कि वो आपको किस तरीके से हानि पहुंचा सकती है या खुशी पहुंचा सकती है। गढ़वा में हम लोग हैं, मैंने आज सर से कहा है कि आप सभी लोग जो लोग गढ़वा के सरकारी स्कूलों से पास आउट हुई हैं, कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे जो गढ़वा के सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है, हाथ उठाए अपना। सरकारी स्कूल, किसी भी सरकारी स्कूल से जहाँ पढ़ी है आप लोग कौन से सरकारी स्कूलों से जितनी लोग पढ़ी है अपनी हाथ उठाए। सब कस्तूरबा से, सब कस्तूरबा गांधी गढ़वा से है, गढ़वा जिले की है। आप लोग अपना नाम, अपना चालू मोबाइल नंबर, अपना आधार कार्ड, ये सब का डिटेल सर के साथ लिखवाएं आज, हमें शाम तक का चाहिए। और अपना मोबाइल नंबर ऐसा दे जो अगर मैं फोन करूं तो मैं आपसे बात कर सकूं, ऐसा नहीं हो कि आपने अपने पड़ोसी का नंबर दे दिया और फिर वो चार घंटे तक आपको ढूंढ रहे हैं और अगर मुझे जरूरत हुआ तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे जिले के साथ जुड़ी रहे और हमारे जिले का नाम रोशन करें और अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पास अपना फोन नंबर दें, हमारे पास अपना सारा डिटेल्स दें, क्योंकि हम एक टेक्निक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम आपकी ट्रैकिंग कर सकें, आप लोग क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, आपको अगर और ट्रेनिंग की जरूरत है, आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप शायद पढ़ाई करना चाहती हैं या नौकरी करना चाहती हैं, इन सब की जानकारी हमको चाहिए। और लास्टली आप लोग में से कोई लोग तमिलनाडु शायद जा रही हैं, 30 लड़कियों को आप लोग में से ऑफर मिला है, तमिलनाडु दूर नहीं है ना ही कोई और जगह है, घर हमेशा पास रहता है, आप लोग हमेशा वापस आ सकते हो, ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, कमाइए, पैसे सेव कीजिए, ये नहीं कि झुमका बाली खरीद के सारे पैसे खत्म कर दीजिए। घर पे पैसे भेजो ठीक है, बट अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अपने पास एक जमा पैसा रखें कि अगर किसी दिन आपको जरूरत पड़े, हम लोग लड़कियां हैं, हम समझ सकते हैं, किसी और तरीके से हम लोग को रोका नहीं जा सकता है, बस एक ही तरीके से रोका जा सकता है अगर हम लोग अपनी सुरक्षा खुद ना करें। थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, और प्लीज अपने सारे डिटेल्स सर के साथ आज लिखवाते। कार्यक्रम का संचालन सेंटर मैनेजर विनय कुमार ने किया, प्रशिक्षणरत छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उक्त अवसर पर प्रशिक्षा नाजिया खातून, संगीता देवी, प्रमिला देवी, तस्कीन खातून, संपा प्रवीण, अर्चना कंचन मेंज, श्वेता गुप्ता, मनोज कुमार, आशीष गुप्ता, प्रमोद कुमार सहित सैकड़ों छात्रा मौजूद थे। धन्यवाद।